नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को 25 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा है। वहीं इस केस से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट ने जुलाई 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दरअसल सितंबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान इन पांचों बॉलीवुड एक्टर्स ने दो काला हिरण का शिकार किया था। उसी साल अक्टूबर में बिश्नोई समुदाय ने सलमान खान और वाकिफ शामिल लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 5 दिन के अंदर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने बिना लाइसेंस की बंदूक से काला हिरण का शिकार किया था। निचली अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए सलमान खान को दो अलग अलग मामलों में 1 और 5 साल की सजा सुनाई थी। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।